हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीआईएसएफ में अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, पूरा अच्छे से विस्तार से देखेंगे। अगर एक 15-20 मिनट का आप वीडियो देखते हैं तो आप बाहरी एग्जाम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उससे आपका सीआईएसएफ का भी करियर में बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है आपका, एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट आवर हिडन पोटेंशियल, यानी कि जो कमी होता है, ठीक है, जैसे आप सीएसएम में जॉब कर रहे हैं तो कुछ कमियां आपको महसूस होती होंगी, ठीक है, कुछ दिक्कतें महसूस होती होंगी, कुछ परेशानियां आपको लगती होंगी। तो आप क्या करते हैं कि आपके अंदर का जो छुपी हुई क्षमता है, ठीक है, उस पे वर्क करके कुछ अचीवमेंट पाने का कोशिश करते होंगे, यानी और कुछ भी प्राप्त करने की आप कोशिश करते हैं। तो इस कोशिश को आप सक्सेस में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है, इस एफर्ट को कैसे आप एक प्रॉपर जो है सही दिशा में आप अपना मेहनत करके हार्डवर्क करके कैसे सफल बन सकते हैं, तो उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चीज को आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे, एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट आवर हिडन पोटेंशियल। अगर देखिए, हम एक बात कह देते हैं, अगर आपको बहुत आसान सब कुछ चल रहा है लाइफ में, आप देखते होंगे, ठीक है, एक मैं एग्जांपल दे देता हूं, अगर आप सीएसएफ में ही हैं, ठीक है, तो दो तरह के वहां पे लोग होते होंगे, ठीक है, एक होता होगा जिनका लाइफ का रूटीन बहुत ही आसान है और उनके पास कोई दिक्कत समस्या नहीं है, तो वो लोग बाहर का एग्जाम या डिपार्टमेंटल एग्जाम में ही कोई तैयारी नहीं, अपना बस काम में लगे हुए रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को दिक्कत महसूस होता है या कि और आगे बढ़ने चाहते हैं अपना, तो वो क्या करते हैं, अपना टाइम निकाल के मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने जो है समय का उपयोग किया और 2 बार NTPC और 2 बार CPO का एग्जाम क्रैक किया और पूरा फाइनल लेवल तक भी पहुंचा, ठीक है, और किन दिक्कतों की वजह से मैं सीपीओ में बाहर हुआ था और किस कारण से मैं जो है एनटीपीसी के स्टेशन मास्टर पोस्ट से बाहर हुआ था, उसको भी मैं बताऊंगा। तो आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कैसे तैयारी करना है मैं वो चीज़ पूरा बताऊंगा, ठीक है, अगर आप फैमिली मेंबर हैं और बैरक में हैं तब भी। तो सबसे पहला कंडीशन हो गया कि अगर आप मान लीजिए फैमिली मेंबर हैं, मैं दोनों कंडीशन में रह के तैयारी करते रहा तो दोनों सिचुएशन को बताऊंगा और अपना यूनिट के बारे में भी बताऊंगा मैं कहाँ पे था। तो मैं सबसे फर्स्ट जो हमारा 2013 में मैंने ज्वाइनिंग किया, ठीक है, 2013 में हमारा जो फर्स्ट यूनिट आया था, सितंबर 2014 में हम पहुंचे थे कहाँ पे, एनटीपीसी कोरबा, ठीक है, एनटीपीसी कोरबा। यहाँ पे मैं लगभग कितना रहा, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, 2017 तक मैं रहा। कब तक, 2014 से 2017, नहीं 2018 मार्च तक, कब तक, 2018 मार्च तक, कब तक, 2018 मार्च तक। उसके बाद 2018 अप्रैल से, बीच में ब्रेक जर्नी था, 2018 अप्रैल से कब तक, 2021 सितंबर तक, यह कहाँ पे रहा, किरंदुल दंतेवाड़ा में, कहाँ पे, किरंदुल दंतेवाड़ा में। तो आप इन परिस्थितियों को पहले ही जान लीजिए कि आपके सामने कठिन परिस्थितियां आएंगी तब भी आपको अपना तैयारी करना है, ठीक है। इन परिस्थितियों में रहते हुए भी मैं यहां तक जो है पहुंचा हूं, तो उसका अनुभव आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो देखिए, एनटीपीसी कोरबा में आप मैक्सिमम पता कर लीजिएगा 12 घंटे ड्यूटी चलता है, कितना, 12 घंटा ड्यूटी वहां अधिकतर चलता है। और किरंदुल में जब आप मतलब शुरुआत में पोस्टिंग जाएंगे तो 1 साल लगभग आपको पहाड़ी पे रहना पड़ता है, तो मैं वहाँ 14 माइनिंग में था, तो आपको वहाँ पता है इंटरनेट ये सब चीज़ तो मैक्सिमम आप भूल ही जाइए, वहाँ पे केवी में चलता है, किसमें, केवी में, ठीक है। और आप किताब उताब क्या है, जब छुट्टी जाएंगे तभी मिलेगा, वहाँ पे लोकल मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने मैगजीन मिल जाए, या बहुत कम चांस रहता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं, क्योंकि नेट ही नहीं चलेगा, तो आप मुश्किल है कि ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म चुन पाए। तो इन सब परिस्थितियों के रहते हुए भी मैंने
वहाँ पे काम किया, संघर्ष किया, ठीक है। अब बताता हूँ, तो स्टार्टिंग बताता हूँ मैं आपको, एनटीपीसी कोरबा में जब मैं गया सबसे पहले, तो जो सबसे पहला मतलब ट्रेनिंग के बाद मैंने फॉर्म अप्लाई किया, ये अप्लाई किया आपका 2014 में, तो हम लोग सितंबर में वहाँ ज्वाइनिंग मतलब किए, और 2015 में आया सीपीओ का फॉर्म। का कौन सा फॉर्म? जैसे आप लोग अभी होंगे तो वहाँ सीनियर को देखते होंगे, जैसे मैं वहाँ पे गया 2015 में 13 का भर्ती था, तो 2010 बैच के दो थे, ठीक है, रामा भूपाल गुडेटी और एक रमन्ना करके लड़का था सेम उसी रूम में, तो वो लोग भर रहा था सीपीओ एसआई का फॉर्म। किसका? सीपीओ एसआई का। ये मार्च का घटना है, मैं बता रहा हूँ कब का, मार्च का, ठीक है। सीपीओ एसआई का वो लोग फॉर्म अप्लाई कर रहा था। मुझे ज़्यादा कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं था, क्या होता है सीपीओ एसआई क्या नहीं, तो उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन जब वो लोग अप्लाई कर रहा था तो मैं उनसे पूछा कि आप लोग किस चीज़ का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्या चीज़, तो वो लोग बताए ये सीपीओ एसआई है ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद जैसे वो लोग पढ़ाई करता था तो कुछ क्वेश्चन का जवाब मैं भी देता था, ठीक है, कुछ क्वेश्चन का, जैसे वो लोग जो इंग्लिश हो गया या कुछ भी हो गया, तो फिर क्या किया मैंने भी जो है इस वैकेंसी में अप्लाई कर दिया 2015 वाले में, ठीक है। अब मतलब जब उन दोनों लोगों को पढ़ते हुए देखा तो मेरे अंदर भी क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया 2015 में, ठीक है, कि मैं भी जो है इसको पढ़ूंगा। अब इसका एग्जाम जो है मई के समथिंग में होना था, यानी 3 महीने जो है आपको मिलने वाले थे, कितने महीने, 3 महीने, तो वहाँ पे अधिकतर आपका 8 घंटा या 12 घंटा चलते रहता है, तो वो सब अलग परिस्थिति होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपना बता रहा हूँ, देखिए सियासत में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका छुट्टी कैसे आप मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, लीव यानी जो आपको छुट्टी मिल रहा है कैसे मैनेजमेंट करते हैं। कुछ लोग होते हैं एग्जाम के लिए 1 दिन 2 दिन खर्च करते हैं, लेकिन मेरा सीधा सा फंडा रहा है, जिस चीज़ से मैं लाइफ को बदल सकता हूँ, अपना करियर को बदल सकता हूँ, उसमें मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। किसी के शादी में अगर नहीं जाऊँगा तो उसका शादी तो होगा ही, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी का मान लीजिए कोई और फंक्शन है, नहीं भी जाऊँगा, भले ही घर का रहे या कोई भी, अगर मैं नहीं अटेंड कर पाता हूँ किसी कारण से, अगर अपना करियर के बेटरमेंट के लिए, तो इससे जो है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर मैं अपना गोल अचीव कर लेता हूँ तो वही लोग आपको हमेशा पूछेंगे अगर आप कहीं अच्छे जगह होंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, इस समय बता दूँ, मेरा जो है सीएल बचा हुआ था, क्या कैजुअल लीव जो था, सीएल तो शुरुआत में रहता ही है, तो लगभग 12-15 दिन जो भी था इसको 23 दिन मेरा बना था, कितना, 23 डेज लगभग बना था, ठीक है। ए सी एल मैंने ले लिया, ठीक है, क्या किया, ए सी एल ले लिया मैंने, ए सी पी ओ के प्री एग्जाम के लिए, किसके लिए, सी पी ओ के प्री एग्जाम के लिए, और मैं वहीं बैरक में ही रहा, ठीक है, घर भी नहीं गया मैं जो है कोरबा से गोरखपुर, घर भी नहीं गया, ठीक है, वहीं पे बैरक में ही काट दिया। तो कई लोग ये भी बोलते थे पागल हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, मेंटल हो गया है, तो यहाँ तक भी ऐसा भी स्थिति था, बता दूं दोस्तों, लोग मेरे को बोलते थे कि ये पागल हो गया है, पूरा तरह से मेंटल हो गया है, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रहा होगा कि एक आदमी छुट्टी लेके बैरक में ही 20-22 दिन रहा हो, और उसको लोग बहुत कमेंट करने वाले थे, और वहाँ पे जो है कम से कम 42 से 44 लोगों ने, मैं बता दूँ, फॉर्म अप्लाई किए थे, कितने, 42 से 44 लोगों ने उस साल फॉर्म अप्लाई किए थे, आप पता कर लेना, और सिर्फ अकेला जो है मैं व्यक्ति था, और मेरा नंबर कितना आया था वो भी बता देता हूँ, 200 में उस समय मेरा मार्क जो आया था 97.5 आया था, और ओबीसी कैटेगरी का मेरिट जो बना था 78 या 79 पे बना था, 78 पे मेरे ख्याल से बना था, और मैं बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया था। और जो मेंस एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम का कहानी मैं बता रहा हूँ, 15 अगस्त का समय था, कब का समय था, 15 अगस्त का समय था, ठीक है, उस चीज को भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेंस इसका हुआ था 30 अगस्त को, कब हुआ था, 30 अगस्त को, तो मेरा तो प्री क्लियर हो गया था, ठीक है। अब मतलब मेरे को ये था कि मेंस भी क्लियर करना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया,
एक या दो अगस्त को, कब? एक या दो अगस्त को, ठीक है, छुट्टी के लिए अप्लाई किया, एक या दो अगस्त 2015 को पहले ही पता चल गया था 30 अगस्त को एग्जाम है, कब? 30 अगस्त को मेंस है, ठीक है। आप प्रोसेस बाय प्रोसेस देखते जाइएगा। फिर क्या किया मैंने, छुट्टी अप्लाई किया इंस्पेक्टर के पास, इंस्पेक्टर ने मना कर दिया कि छुट्टी नहीं मिल पाएगा, 15 अगस्त का समय है। क्या है? 15 अगस्त का समय है। तो मैं क्या किया, मैंने बस रिक्वेस्ट किया, सर आप मेरा क्या करिए, एसी सर से मिला दीजिए। तो जो एसी सर थे वो मतलब हाल एक दो साल ही पुराने थे, ठीक है, लेकिन वो उनके पास मैं गया, ठीक है, और मैंने छुट्टी क्या अप्लाई किया था, सिर्फ मैंने कारण भी लिखा था कि इसी एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, 20 दिन HPL, मेरे पास छुट्टी नहीं था, CL खत्म हो चुका था, तो 20 दिन मैंने HPL लिया और 10 दिन EL लिया, क्या 10 दिन EL, तो ये पूरा मिला के कितना दिन हो गया, 28 दिन। अब मैंने क्या किया मैं बता दूं, इंग्लिश का मैं न्यूज़पेपर ले जाता था रात में, वहाँ पे आपको पता है NTPC में आप रहेंगे, ठीक है, NTPC में आपका अगर अनुभव होगा या किसी प्लांट का, तो लाइट जलते रहता है, ठीक है, तो कहीं स्ट्रीट लाइट या कोई लाइट रहता था तो उसी पेपर पे बैठ, मतलब कोई अगर चेकिंग वाला आया या कोई आया तो मैं उस पे बैठ जाता था, ठीक है, और बाकी टाइम पता रहता था तो उसी न्यूज़पेपर को देखते रहता था, तो उससे क्या होता था, मुझे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आता था, ठीक है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ आपको, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लाना है तो आप न्यूज़पेपर को ज़रूर वो करिए, आप ड्यूटी ले जाइए या कहीं ले जाइए, एक पेज फाड़ के ले जाइए या किसी तरह से, ठीक है, उसको देखते रहिए, आप उसको देखते रहेंगे धीरे धीरे इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ए 28 दिन का HPL मिला मुझे, तो फिर मैंने क्या किया, सेकंड पेपर के लिए इलाहाबाद प्रयागराज में जाके 20 दिनों के लिए एक कोचिंग ज्वाइन कर लिया, वैसे ही नॉर्मल सा, बहुत हाई फाई नहीं, क्योंकि हाई फाई में 20 दिन में आपको क्या बताएगा, नॉर्मल सा कोचिंग ज्वाइन किया। वहां पे 3 बैच चलते थे, सुबह दोपहर शाम का, मैं क्या करता था तीनों बैच में जाके, मतलब जो वहां पे क्वेश्चन कराए जाते थे, एक्सरसाइज कराए जाते थे, करता था। लेकिन और क्या किया, ठीक है, किरण का जो SSC का प्रीवियस ईयर का था, ये सब था, उसको मैंने खूब अच्छे से रीड किया, क्या खूब अच्छे से रीड किया। और मैं बता दूं, सिर्फ कुछ दिन का तैयारी से मेरे 117 नंबर सेकेंड पेपर में आए थे, कितने, 117 नंबर में। अब हुआ क्या, मैं पूरा अगस्त का महीना तो इलाहाबाद रहा और एक रूम में बंद रहा, ठीक है, मतलब एक रूम में ही रहा, छोटा सा रूम। तो फिर 5 सितंबर को मेरा फिजिकल पड़ गया, कहाँ पे, RTC भिलाई, आप सभी को पता होगा कहाँ पे, RTC भिलाई में 5 सितंबर को मेरा फिजिकल पड़ गया, और बारिश का समय था। अब जो भी रहा, ठीक है, मैं जो है हाई जंप में फेल हो गया, कि और मेरा हाई जंप उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, इस वजह से मतलब एकाध इंच की वजह से मैं 4 फीट नहीं कूद पाता हूँ, उस समय भी था। और उस दिन मैं आखिरी बार जो है रोया, मतलब मुझे रुलाई भी आया था फेल होने के बाद, उस समय नहीं, शाम को, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उस दिन मैंने निश्चय किया कि इससे भी अच्छा कुछ करूँगा, ठीक है, क्या और भी कुछ अच्छा करूँगा, हार मैंने नहीं माना, ठीक है, हार मैंने नहीं माना और सोच लिया कि और भी अच्छा कुछ करूँगा, ठीक है। उसके बाद 2015 में दिसंबर में वैकेंसी आया किसका, NTPC, जिसको नॉन टेक्निकल पोस्ट बोला जाता है, NTPC वो नहीं सोचिएगा, रेलवे का नॉन टेक्निकल पोस्ट का, जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ये सब पोस्ट होते हैं। ये वैकेंसी दिसंबर में स्टार्ट हुआ, जनवरी तक फॉर्म भराया, कब तक, जनवरी तक। अब सोच लीजिए, मैंने छुट्टी लेके वहीं तक काटा हूँ और एक साल जो है घर अभी तक नहीं गया, एक साल हो गया मुझे, ठीक है। कई लोग बोलता भी था कि इसको घर से बाहर निकाल दिया, इस वजह से ये घर नहीं जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सोचता था अगर मैं कुछ अच्छा कर लूँगा तो घर तो आना जाना लगा ही रहेगा, 20 साल जब 22 साल वहीं पे आप रहे हैं तो इतना प्यार क्या चीज़, इतना मोह माया किस चीज़ का, अपना करियर के लिए कुछ समय दे देंगे तो फिर आपको घर पर ही रहना है। अभी आप देख सकते हैं मैं मतलब 24 आवर जो है अपना घर परिवार के साथ हूँ। तो आप नए हैं तो ये सब चीज़ें आपको सीखने चाहिए। कई लोग, आप लोग छुट्टी दोस्त के साथ घूमना, छुट फालतू में इधर उधर खर्च कर देंगे तो आपको
देखिए, पढ़ने के लिए कुछ खोना पड़ता है क्या? पढ़ने के लिए कुछ, पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अब एनटीपीसी वाला मैं कहानी बताता हूँ क्या हुआ। एनटीपीसी का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, यह हुआ था 6 अप्रैल के समथिंग में। कब? 6 अप्रैल में। तो ए पेपर मेरा क्लियर हो गया था 6 अप्रैल के बाद। जो है सेकंड पेपर हुआ इसका लगभग जाके मेरे ख्याल से जनवरी में, कब, दिसंबर या जनवरी 17 में हुआ था। कब? ये 2016 का वर्ष था। जनवरी 2017 में, 19 जनवरी 2017 को इसका सेकंड पेपर हुआ। फिर अप्रैल या मई जून में जो है जाके हमारा उसका साइको का टेस्ट हुआ था। किसका? साइको का टेस्ट हुआ था। उसमें स्टेशन मास्टर के लिए साइको का टेस्ट होता है। मेरा साइको भी अच्छा गया, सेकंड पेपर भी अच्छा गया, फर्स्ट पेपर भी पास कर लिया। सब पास होने के बाद मैं बता रहा हूँ क्या हुआ मेरे पास। जब मैंने इसका फॉर्म अप्लाई किया था, कब, 2016 में, तो मेरे पास जो है कोई भी मोबाइल या लैपटॉप ये सब चीज़ नहीं था। इस वजह से मैंने किसी और से फॉर्म अप्लाई किया। मैंने उनको पूरा डॉक्यूमेंट दिया था, ठीक है, वो लड़का अच्छे से जानता था, लेकिन उसने जो मेरा फॉर्म अप्लाई कर दिया ओबीसी क्रीम लेयर में कर दिया। किसमें? ओबीसी क्रीम लेयर में। जबकि मैं किस में आता था? ओबीसी नॉन क्रीम लेयर में। जब आप ओबीसी क्रीम लेयर में कर देंगे तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। और मेरा क्या हुआ, जो फाइनल मेरिट बना वहां पे ओबीसी मतलब जनरल कोटे से 0.53 छट गया। जबकि जो मेरा ओबीसी नॉन क्रीम लेयर का कोटा था उसमें मेरे 0.86 मार्क अधिक थे। मेरा जो है रैंक 76 था। कितना रैंक था? 76 रैंक था। और 95 रैंक तक लोगों को ओबीसी नॉन क्रीम लेयर में सेलेक्ट किया था। लेकिन एक गलती की वजह से, फॉर्म गलत भरे जाने की वजह से मेरा यहाँ पर भी नहीं हुआ, ठीक है। 2016 का भी सीपीओ क्लियर किया, लेकिन फिर जो है वही हाई जंप वाला दिक्कत और एनटीपीसी। अब किक बार का कहानी बताता हूँ जो 2011 वाला हुआ, ठीक है, सॉरी 2019 में जो एनटीपीसी आया था। अभी जो एनटीपीसी 2019 में आया था और उसका एग्जाम कब हुआ? 2021 में। कब हुआ? 2021 में। तो इसका कहानी बता देता हूँ फ्रेंड्स। जिस दिन मेरा एग्जाम जो है पड़ा, 27 जुलाई को मेरा एग्जाम था, ठीक है। तो कुछ पाने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। जब मतलब 17 जुलाई को, कब, 17 जुलाई को मैं कहाँ पे था? किरंदुल में था। कहाँ पे? किरंदुल में, ठीक है। 17 जुलाई को मैं किरंदुल में था। उसी समय पता चला कि एडमिट कार्ड तो पता चल गया था कि 27 जुलाई को एग्जाम है मेरा। 17 जुलाई को मेरे माँ का जो है, मदर का कैंसर से डेथ हो गया। किससे? कैंसर से डेथ हो गया। और दो तीन दिन, 5-6 दिन पहले ही मैं छुट्टी से, मतलब कई महीना छुट्टी काट के किरंदुल वापस गया था। इस वजह से ओएसएल जिसको बोला जाता है, वो मतलब छुट्टी से ज़्यादा रुकने वाला केस का जो है इंक्वायरी चल रहा था मेरा, ठीक है। तो मुझे जो सीओ सर ने बोला कि तुमको छुट्टी, तुमको तुरंत जाना है तो तुम तुरंत भी जा सकते हो, या अपना केस का 3-4 दिन में निपटारा करके भी जा सकते हो। और मुझे दिख रहा था रेलवे का एग्जाम। तो मैं बता दूं कि मैं 10वीं में, 17 से जोड़ेंगे 27, तो 10वीं में जो है नहीं पहुंच पाया, ठीक है। कब पहुंचा मैं? 28 को पहुंचा, क्योंकि 27 को मेरा आगरा में एग्जाम था। कहाँ पे था एग्जाम? आगरा में एनटीपीसी का एग्जाम था। तो मुझे लग रहा था कि एग्जाम देना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो घर के और सदस्य हैं वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा कई लोग हुआ कोरोना के समय में, जो अपना माँ के पिता में, कई लोगों के डेथ में नहीं जा पाया। तो मैंने मान लिया कि परिस्थिति जो है आज कुछ भी हो, मुझे इस हिसाब से काम करना चाहिए। तो मैंने छुट्टी तो मतलब लिया, ठीक है, लेकिन वहीं पर रहा। और दो तीन दिन आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप अकेले हैं, ठीक है, और आपका घर में मतलब सबसे खास आपका माँ का डेथ हो जाए तो आप कैसा तैयारी रहेगा। तब भी इस कंडीशन में भी मैंने एग्जाम दिया 27 को, मतलब माँ के डेथ के 10 दिन बाद, ठीक है। तब भी जो है मेरा कितना, 83 मार्क आया। कितना मार्क आया? 83 मार्क आया।
फर्स्ट पेपर का बात कर रहा हूँ, 83 मार्क आया। तो हर जगह आपका सबसे मेन चीज़ है, आपको धैर्य बना के रखना है, छुट्टी का बेहतरीन यूज करना है, और जैसे ड्यूटी रहता है तो मोबाइल वोबाइल ये सब चीज़ ज़्यादा फालतू सोशल मीडिया का यूज नहीं करना है। फेसबुक हो गया, यूट्यूब आप चलाते हैं तो सही चीज़ों के लिए यूज करना है। आप बस एक तरीका और ज़रूर करेंगे क्या, इससे बहुत ही बेनिफिट होगा। जैसे आपके पास मोबाइल है तो आप बस दो चीज़ें लिखिए कि आपने मोबाइल का गुड यूज क्या किया और बैड यूज। गुड यूज का मतलब आपने पढ़ने के लिए, अपना टारगेट अचीव करने के लिए उस मोबाइल का कितने देर यूज किया, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। और मोबाइल का खराब यूज में क्या आ जाएगा आपका, सोशल मीडिया पे फालतू में आपने समय कितना वेस्ट किया। किसी को फोन पे काम था 1-2 मिनट का, लेकिन आपने आधा घंटा 1 घंटा कितना घंटा बात करके वेस्ट किया। बस आपको यही लिखना है, पर डे आप अपना डायरी मेंटेन करते जाइए, आपका आदत में सुधार आते जाएगा। जब आप देखेंगे कि रोज आप 2-2.5 घंटा अपना समय वेस्ट कर रहे हैं फालतू चीज़ों में, ठीक है, आपका जो ये मतलब दिक्कत रहेगा कि हमें समय नहीं मिल पा रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है। बहुत लोगों का दिक्कत रहता है, कहते हैं हमें समय नहीं मिल पा रहा है, तो समय आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको पैसा भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो है, आप एक काम और करना है, जैसे कई लोग क्या होते हैं, अपना पूरा ड्यूटी का बात घर पे लाके बोल देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं घर पे कह देते हैं, तो ये ड्यूटी का बात वहीं पे रखिए। कहाँ पे, यहीं पे, मतलब ये ड्यूटी वाला एरिया है, 8 घंटा के बाद वहीं पे रखिए। घर पे आइए या बैरक में आइए तो पूरा टाइम पढ़ाई पे फोकस करिए। फालतू लोग जो रहता है, ठीक है, फालतू लोग आप समझ रहे होंगे कौन फालतू लोग रहता है, जो तैयारी नहीं करता है, जिनको आगे बढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं है, उन सब बातों में मत इंटरेस्ट रखिए कि कौन ऑफिसर खराब है, कौन जवान खराब है, कौन खराब है, कौन अच्छा है, वो सब छोड़ दीजिए उन लोगों के ऊपर। आप अपना धुन में रहिए, पढ़ने में रहिए, ठीक है, इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता भी है, नहीं होता है, लेकिन आपका पढ़ा काम आएगा ASI LDC में, तो आप नए हैं तो मेरे यही सलाह रहेगा, एक बड़े भाई के तौर पे, एक मेंटर की तौर पे, एक दोस्त की तौर पे, कि आप अपने समय का बेहतरीन यूज करें। धन्यवाद।